ले लो बस तुम्हें आइए बोले कितने बोले चले नहीं करेंगे हमारे आप सब से चले से बोले बात फोटो में बोले तो चलाओ पार्टी करनी है इधर आके तो बढ़िया थे चले मोटर सवारी करते फंसना उनको दो बेटियां दो मरहम को दो बेटियां दो मिनट अस्सलाम वालेकुम मैं अमजदुल्लाह खान इस बॉक्समैन एमबीटी मैं फिलहाल मख्ता जो राजभवन के सामने जो बस्ती है हैदराबाद में वहाँ पर हूँ मैं मेरे साथ हमारे बड़े भाई जनाब शरीफ कारपोरेटर कांग्रेस पार्टी और इस मख्ते के आ, सदर साहब हैं यहाँ के एक्चुअली कल शहर हैदराबाद में एक नाखोशवार वाक़ पेश आया आ, जिसकी वजह से एक जवान लड़के की जान चले गई बशीरबाग चौरस्ते पर आ, एक जाने से मोहम्मद गौस पाशा पैंतीस साल ऑटो ड्राइवर इसकी स्पॉट इस डेड हो गए सारे आप लोग वो वीडियो देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर कल से फिर रहा है तो कल मुझे इतला हुई जब तक बहुत देर हो गई थी उनकी तदफीन भी अमल में आई थी मैं आ नहीं सका था और आज मैं उनके घर पर आया रास्ते में अभी मुझे मालूम हुआ बहुत अफसोस हुआ कि उनके वालिद मोहम्मद अब्बास साहब को भी जो है पैरालाइस है ये बेचारे भी जो है पूरा एक हाथ पैर से माजूर है और मरहूम जो है पांच बहनों का एक ही भाई था पांच बहनों का एक ही भाई था और यही लड़का कमाने वाला था जिससे इसका घर चलता था ज़ईफ़ माँ है और बाप पैरालाइस है इस लड़के को भी शादी हो गई थी इसको एक अहलिया यानी दो मासूम बच्चियाँ हैं एक चार साल की लड़की है और एक तीन साल की लड़की है तो ये बड़ा नाखुशगवार वाक़ हुआ कहीं ना कहीं इसमें जो है महकमे बलदिया की और हुकूमत की लापरवाही बताई जा रही है क्योंकि वो झाड़ जो है ज़मीन से अप्रूट हो गया था कभी भी गिर सकता था मुकामी लोग कई मरतबा उसको ऊपर कंप्लेंट दिए थे लेकिन महकम बल्दिया की तरफ से उस झाड़ को कट करके नया झाड़ डालने की कोशिश की नहीं गई उसके अंदर उस झाड़ने से बचाने के लिए उसमें कंक्रीट डाल दिया गया था वो कंक्रीट आने के बाद से क्या हुआ कि वो झाड़ का ग्रोथ होना बंद हो गया वो और फोकल हो गया था वो और झाड़ गिर गया ये बेचारे की जान चले गई खैर अल्लाह ताला की तरफ से उसका वक्त था उसकी जान गई लेकिन जो लापरवाही की गई है उसके आ, अब मेरा मकसद यहाँ पर आने का सबसे अभी हमारे शरीफ भाई से भी मेरी बातचीत हो रही थी क्योंकि बच्चा एक ही कमाने वाला था और इनके घर में जो पांच बहनें हैं चार बहनों की शादी हो गई एक की लड़की की शादी होने का है तो अब हम सब पर यह जिम्मेदारी होती है कि इस फैमिली के हम मोहम्मद गौस पाशा की जान तो वापस नहीं ला सकते ना हुकूमत ला सकती ना कोई लीडर ला सकता लेकिन हम इनके गम में शरीक हो सकते हैं वो शरीक होने का ये है कि मोहम्मद गौस पाशा की जो अहलिया है हम हुकूमत चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करते हैं के टी रामा राव साहब एम एन यू डी मिनिस्टर है म्यूनसपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है महकूम बलदिया आपके तहेदी ही चाहता है तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वाकिया हो के चौबीस घंटे आ गया के टी आर साहब का ट्वीट नहीं आया छोटे मोटे वाक़ात पर ट्वीट आता अफसोस की बात है क्योंकि मरने वाला मुसलमान है इसलिए उनका ट्वीट नहीं आया ये बात खुले वाजे हो गई ये बात तो अगर कोई फ़र्ज करिए कोई दलित मरता कोई एस सी एस टी मरता तो अब तक लीडरों की लाइन लग जाती और मीडिया चैनलों का जीनत बन जाती है न्यूज़ लेकिन एक ग़रीब घर का एक होनार एक कमा उस जिसका बाप पैरालिसिस पेशेंट है माँ ज़यीफ है वो मरता है तो उसकी कभी न्यूज़ नहीं बनती और उसके घर पर कोई लीडर नहीं आता बड़े अफसोस की बात है कि नागेंद्र साहब मिल है मुझे बड़ी उम्मीद है नागेंद्र साहब से क्योंकि वो एक हरकियाती लीडर है ऐसे वाक़ पे स्पॉट पे जाते हैं और अपने जेब से भी देते हैं पैसे हुकूमत से भी लड़के दिलाते हैं लेकिन पता नहीं नागेंद्र साहब क्यों नहीं आए यहाँ पर आना चाहिए था ये बस्ती आपकी है यहाँ के मुसलमान आपको हमेशा आपके साथ रहे चाहे आप कांग्रेस में रहो या टीआरएस में रहो आ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप कल सुबह तक या कल शाम तक भी इनके मकान पर आएंगे कम से कम इस जयीफ़ बाप का आप पुरसा देने से जो है इस ज़ीफ़ बाप को हिम्मत आएगी गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है चीफ़ मिनिस्टर से, से के टी रामा साहब से कि मोहम्मद गौस पाशा की जो अहलिया है उसको इसी महकमे बलदिया में सरकारी मुलाजिमत दी जाए और इसकी अहलिया को जो है एक टू बेडरूम फ्लैट दिया जाए और रही बात यह जो जयीफ़ माँ बाप है इनका सहारा जो है सरकार कैसा बनती इनको क्या पेंशन देती क्या करती एक जो लड़की है वो लड़की की शादी के लिए आ, मैं अमजदुल्ला खान कोशिश करता हूँ मैं कोई वादा नहीं करता कभी भी हमारे शरीफ भाई भी है कि आप लोग शादी जब भी तय करेंगे एक महीना पहले बोलिए इन हम पूरी शादी आपका बच्चा नहीं है सो हम आपको महसूस नहीं होने देंगे चार लड़कियों की जो शादी हुई उससे बेहतरीन शादी हम करके देंगे अगर ये हमारा वीडियो कोई देख रहे हैं और लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हैं तो आप आके उनके घर वालों से मिल सकते हैं उनके वालिद से उनकी माँ से उनके आ, इस बस्ती के शरीफ भाई है यहाँ पर तो इन हम सब मिलके वो लड़की की बेहतरीन तरीक़े से आपके चार लड़कियों की शादी जैसा हुई उससे बेहतरीन तरीके से इन शाएंगे हम कौन है हम तो एक हकीर बंदे हैं हम तो बहरहाल बड़ा अफसोस का मुक़ाम है मैं हमारे शरीफ भाई से भी गुज़ारिश करूँगा कि वो आपके सामने एक दो मिनट बोलिए आप बस्ती के पूरा बोलिए असल जो वाक़ हुआ वा, हमजुदुल्ल साहब जो, जो तकरीर करे सुने आप लोग और इससे हम देखा गया बड़ा अफसोस की बात है एक लूता एक बेटा अल्लाह ने प्यारा कर लिया इस उनके सबर दे अल्लाह उनके माँ बाप को और उनकी अहिलिया को क्योंकि बताना चाह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी उनके ऊपर ही थी पूरी पांच आदमी के ऊपर देखभाल था तो लिहाजा आज उनकी कमी पेशी बहुत हो रही कि आज घर में रोम रात चल रहा और फिर बोलिया पूरा महल्ले के तरफ से ही बोलूँ तो लिहाजा मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों कोई भी है आप उन लोग को मदद करिए और अपने जितना अपने से होता उनकी अहलिया को उनके माँ बाप को सबर दे उनके बहनों को सबर दे अल्लाह समझ से जो भी हमजदल खान साहब जो भी हुकूमत से हम भी बता रहे कि महर यहाँ के जो जीएचएमसी के महर है उनसे भी हम मुताबला कर रहे हैं और यहाँ के जो एमएलए एल है जो एमपी पी है ये सब कोई भी कुछ वाक़ा होते पहले आते तो ये वाक़े में क्यों आप लोग नहीं तो दे रहे क्योंकि ये गरीब तख्ते से है उनकी मजबूरी है किराए के घरों में है ऐसे टाइम पर ऐसे जनों को साथ दिए अच्छा तो अच्छा रहता तो लिहाजा मैं भी कल से हम जाएंगे जीएचएमसी कमिश्नर करने जाएंगे जहाँ इनका बेनिफिट है और बेनिफिट लेंगे गवर्नमेंट से भी और गवर्नमेंट के टी आर साहब से इतने बड़े हैदराबाद के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ इतना बड़ा झाड़ गिरा बच्चा वहाँ का वहीं दबेगा उसके पूरे रिट के हड्डियाँ तलका चिकना छू मैं खुद अंदर पी एम ई पोस्टमार्टम की जगह था तो लिहाजा मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे इस मौके पर इनके आइलिया इनके माँ बाप इनके बहना अल्लाह इनको सब्र दे बस इनको आगे जो भी है इसके ऊपर जो भी मुआवजा देने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ इनका जो बैंक अकाउंट है उनका व्हाट्सअप है जो डालते उसके ऊपर दलाए तो अच्छा रहता अपन सब मदद करें सरकार रहता बोल के गुजारिश हो रहा अल्लाह हाफिज़ बात एक और एक है मैं भूलना भूल गया क्योंकि उमन ऐसा होता है कि जहाँ पर भी कोई मुसलमान के साथ ऐसा वाक़ पेश आता तो सरकार जो है उसका कोई हमारे को बेनिफिट नहीं देती है तो इन हम इसका अल्टरनेट भी कोशिश कर रहे हैं मैं मेरे बड़े भाई जो मुजफ़रल खान एडवोकेट है आज दिन में उनसे बात किया हूँ मैं आ, मुझे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफ़ की कापी कल आप लोग जाके वो पुलिस स्टेशन से निकालिए पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट अभी इतना जल्दी नहीं आती एक आठ दस दिन लगते हैं वो एफ़ की कापी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे दीजिए अपन कोर्ट भी मूव करेंगे क्योंकि इसमें कम से कम इससे पहले ऐसे ही एक दो वाक़ात पेश आए थे ड्रेनेज के मेन होल में गिर के मर गए थे गवर्नमेंट की तरफ से एक आध लाख रुपए दिए थे तो हम हाई कोर्ट में लड़के उनको पच्चीस से तीस लाख रुपए दिलाए थे हम तो ये एक है और दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आपकी हमारे आपको आ, हमारी ज़रूरत पड़ेंगी शरीफ है बस्ती में या मुझे आप कॉल कर सकते हैं हम आपके दरमियान हैं आपका अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर मेरे को आप लोग निकाल के दीजिए हम भी अपील करेंगे जहाँ तक हो सकता है आपको मदद करेंगे इन आपको महसूस नहीं होने देंगे आपका और एक बात यह है कि वो ऑटो भी फाइनेंस पे था बोल रहे हूँ तो वो भी ज़रा मुझे पूरा डिटेल दीजिए क्योंकि वो ऑटो तो पूरा डैमेज हो गया और बिल्कुल वो किलो के हिसाब से बेचने का स्क्रैप का हो गया वो तो कितने पैसे बने वो कौन है फाइनेंसर कौन से फ़ाइनेंस से उठाए थे वो मालूम करिए मैं पूरा वो केस भी क्लोज करवा देता हूँ पूरा वो फाइनेंस माफ़ करवा देता हूँ वो और उनका डेथ सर्टिफिकेट उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफ आई आर कापी ये तीनों मेरे को दीजिए ये एक लंबी जंग है ये एक दो दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है आज मैं आया पुरसा दिया चले गया नहीं बस्ती से भी कोई जिम्मेदारी लीजिए इनके अफराद खानदान से भी मेरे से मुसलसिल रब में रहिए मुसलसल हम लड़ते रहेंगे इनशाला जब तक इनकी अहलिया को सरकारी मुलाजिमत नहीं मिलती इनको टू बेडरूम फ्लैट नहीं मिलता और इनको कम्पनसेशन नहीं मिलता एक साल दो साल तक हमको लड़ना पड़ा भी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं शुक्रिया